अस्सलाम-ओ-अलैकुम जानिस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, जिधर भी होंगे अल्लाह के रहम करम से अपने घरों में होंगे उसकी हिफाजत में होंगे। सो यार, आज मैं काफी दिनों बाद हुमा के जो वो घर आया था, तो मैंने सोचा हुमा से मिलने और उसके साथ एक जो है छोटी सी एक वीडियो भी बना लें यार। तो आज की जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बिकॉज आज हम रिएक्ट करने वाले हैं नोएडा सिटी में, जो इंडिया की जो सिटी है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और ऐसे है जैसे कि डेवलप, यानी कि कहते हैं ना यार किसी बाहर के मुल्क में आप चले गए, बिल्कुल ऐसी बहुत ही खूबसूरत वो सिटी है यार। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को तो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड शहर नोएडा को, जो इंडिया के मिनी जापान नाम से भी परिचित है। पिछले कई सालों में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे सैटेलाइट सिटी बन रहा है, जहां पे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है और सभी तरह के सुविधा इन शहरों के अंदर मौजूद होगा और नोएडा भी उनमें से एक है। ये शहर न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में अपना एक अलग ही पहचान बनाया है और नोएडा वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, जहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ शहर का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। कई सारे एक्सपर्ट का कहना है आगे चल के नोएडा जैसे शहर इंडिया के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। नोएडा शहर में मौजूद ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। शहर के हर तरफ ऐसी हाई राइज स्काईलाइन बना हुआ है जो लोगों को हैरान कर देती है कि ये कोई यूरोपियन कंट्री है या फिर हमारे अपना देश इंडिया है। ये हमारा नया इंडिया है और ये हमारे नया इंडिया का नया उभरता हुआ शहर है जो हर एक एस्पेक्ट से डेवलप्ड है। आइए एक्सप्लोर करते हैं नोएडा सिटी, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। नोएडा एक प्लान्ड सिटी है जिसे प्रॉपर प्लानिंग करके शहर को बसाया गया था। ये शहर उत्तर प्रदेश के अंदर ओखला नदी के किनारे बसा हुआ है और ये दिल्ली एनसीआर रीजन का एक पार्ट है। नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट नोएडा, और एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन नाम है। 2011 की जनगणना सूची के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 6 लाख के ऊपर थी। हालांकि अभी शहर के पॉपुलेशन बढ़ चुका है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे डेवलप्ड सिटी है। नोएडा शहर दो भागों में बटा हुआ है, एक है नोएडा और दूसरा है ग्रेटर नोएडा। नोएडा शहर विश्व का सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर है और इसकी रफ्तार यहाँ के डेवलपमेंट को देख कर ही पता चलता है। शहर के हर तरफ गगनचुंबी इमारतें जिसमें कई सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी शामिल है। ये शहर एक इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे कई सारे नेशनल इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी अपना सेटअप लगाया है, जिसमें सैमसंग, HCL, IBM, एडोब जैसे मल्टीनेशनल कंपनी मौजूद है। नोएडा आगे चल के इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स भी बन सकता है क्योंकि ये शहर दिल्ली NCR में मौजूद है। ऑलरेडी कई सारे इंडस्ट्रियल जायंट ने यहाँ पे अपना परमानेंट बेस लगाया है और आगे चल के और भी कई सारे कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाएगा। इससे कॉमर्स और ट्रेड में बढ़ोतरी होगी, इससे नोएडा शहर एक कॉमर्शियल हॉटस्पॉट बनके तैयार होगा, इससे और ज्यादा से ज्यादा लोग शहर में बसने के लिए आएंगे और ज्यादा से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनेगी, शहर के अंदर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप्ड होगी, जिससे साफ पता चल रहा है कि नोएडा आगे जाकर एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर बढ़ रहा है जो इंडिया के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। नोएडा शहर की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे ग्रीनरी के ओर बहुत ही खास ध्यान दिया जा रहा है। शहर के अंदर सड़क के दो किनारे बड़े बड़े पेड़ लगाया गया है जिससे प्रकृति का अपना बैलेंस बना रहे। साफ सफाई में भी बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है जिससे शहर क्लीन रहे। दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया के अंदर कोई भी शहर के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स बना हुआ है। नोएडा के अंदर सेक्टर 18 एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, लग्जरियस होटल, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, हाई राइज स्काईलाइन मौजूद है। नोएडा में मौजूद कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो पूरे इंडिया में जाना जाता है। इसमें द ग्रेट इंडियन प्लेस, DLF मॉल, सिटी सेंटर मॉल, गार्डन गैलेरिया सबसे खास है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि नोएडा के अंदर चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें मौजूद है जिसके कारण नोएडा पूरे इंडिया में जाना जाता है और इनमें से ऐसा ही एक गगनचुंबी इमारतें है जो सुपर टेक सुपर नोबा नाम से जाना जाता है। ये बिल्डिंग इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो 80 फ्लोर के है। दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया के लीडिंग न्यूज चैनल्स में कई सारे ऑफिस नोएडा में ही मौजूद है, लाइक CNN, IBN, NDTV। इसके अलावा और भी कई सारे फिल्म स्टूडियोज भी इस शहर में मौजूद है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो शहर पूरी तरीके से रैपिड मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। देश के राजधानी दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली से नोएडा की डिस्टेंस है ओनली 25 किलोमीटर, जो पूरी तरीके से मेट्रो से कवर किया हुआ है और दिल्ली से नोएडा तक मेट्रो में करीब 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है।
हालांकि नोएडा शहर कोई भी रेलवे लाइन से अभी तक जुड़ा नहीं है। इसके अलावा नोएडा शहर में तीन तीन इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे मौजूद है, ईस्टर्न पटिपरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा शहर की रोड्स काफी वाइड है और ग्रीनरी से भरा हुआ है। नोएडा शहर की करीब 50% एरिया ग्रीनरी से कवर किया हुआ है, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छा है। वंडर वाटर एंड एडवेंचर पार्क पूरे दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। गर्मियों में दिल्ली के लोगों के लिए ये जगह पहला पसंद है। आपको पता है इंडिया के F1 रेस इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में ही मौजूद है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिंग सर्किट है। इंडिया में नोएडा वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हब एंड हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटी एंड कैंपस मौजूद है, जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम भी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। ऐसे और भी कई सारे फैक्ट्स नोएडा शहर से जुड़ा हुआ है, जो इस शहर को न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे दुनिया में सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर बनाता है। तो इंडिया के फ्यूचरिस्टिक सिटी नोएडा के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट पे जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नोएडा सिटी को एक्सप्लोर करते हुए मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार हमें वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी यार। हाँ यार, हमारे काफ़ी अच्छी सीढ़ियाँ ये डेवलप हो रही है। ये मैट भी पॉसिबल वीडियो जो न्यू थी, मैट भी पॉसिबल या पुरानी थी पता नहीं, बस जो सामने आएगी उस पर हमने रिएक्शन दे दिया। तो सबसे पहले तो यार मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यार, जो बार बार मुझे जो है इसकी फरमाइश की जा रही थी कि यार इस पर जो है वो रिएक्ट किया जाए। यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। और हाँ यार, काफ़ी दिनों बाद में हुमा के साथ वीडियो बना रहा हूँ यार। अगर आपको अगर ये हम दोनों की जो जोड़ी है यानी कि अच्छी लगती है तो यार कमेंट में आप लाजमी बताइए। और हाँ, सब इसका नया स्टाइल कैसा लग रहा है, ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है इसका? अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो यार कमेंट में आपने लाजमी बताया कि यार ऐसे ही ये कटिंग करवाए कि ना करवाए यार। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आज ये वीडियो थी। और अगर आपको भी अच्छी लगी तो यार कमेंट में आप लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें यार। और जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया। सो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। थोड़ी ना कमेंट करना है। ओके बाय बाय।